अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम बैक टू दिस चैनल। जी तो भाइयों दोस्तों, क्या हाल चाल है सबका? खैर खैरियत से हैं? मदीना मुनव्वरा से अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ वापसी हो गई। लास्ट व्लॉग लाजमी देखा होगा जो बंद हुआ हमारे साथ, सामान अभी तक नहीं आया हमारा। तो खैर अल्लाह रब्बुल इज्जत आफियत फरमाए। अभी जैसे पता है आपको, कराची में हल्की फुल्की ठंड शुरू हो गई है दिसंबर का, हालांकि महीना ज़्यादा होनी चाहिए। तो अभी आपके साथ ही आपके भाई ने फिश मार्केट का विजिट किया। किमाड़ी में जो ये फ्रेश फिश मिलती है ना, यहाँ पे आप घर ले जाने के लिए भी फिश ले सकते हैं। यहाँ पे गोश्त भी मिलता है फिश का, और यहाँ पे बैठ के ग्रिल फिश भी खा सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग्स के अंदर के राशिद सी फूड के नाम से काफ़ी मशहूर जगह है। तो ये सारी जगह वो अक्सर लोग परेशान होते हैं पार्किंग वगैरह के लिए भी। ये सीधा रोड जो है ना सामने से टावर की तरफ से आ रहा है, यहाँ पर आपको ईज़िली पार्किंग भी मिल जाएगी। तो आज जैसे वीकेंड शुरू होने वाला है, जुम्मे का दिन है आज, तो वीकेंड्स पे एक्स्ट्रा काफ़ी रश होता है, शाम का टाइम है। ये है कि आप लोग अगर इधर आए तो अर्ली आ जाएँ ज़रा, जैसे अभी मगरिब का टाइम हुआ है हम फौरन आ गए। अभी ये है कि रश की पोजीशन ज़रा कम है, गाड़ियाँ थोड़ी कम लगी हुई है। तो ग्रिल फिश यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फ्रेश होती है। एक तो ये यहाँ पर आके फ़ायदा है सबसे बड़ा कि फ्रेश फिश आपको खाने को मिलती है, और घर भी ले जाना चाहे अगर गोश्त कच्ची फिश तो ये मसाला वगैरह लगा के भी दे देते हैं। चलें आपको मार्केट का जल्दी से विजिट करवाते हैं और फिश एंजॉय करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा ये देखें, ये सामने किमाड़ी लॉन्च एरिया है, यहाँ से समंदर की हदूद शुरू है। यहीं से ही वो मनोड़ा बोट वगैरह यहाँ से जाती है, मनोड़ा जजीरा है ना, यहीं से बोट जाती है, यहाँ से लॉन्चें काफ़ी चलती हैं, और इधर से ही ज़्यादातर फिशेज जो मछेरे हैं फिशेज यहीं से ही पकड़ के, इधर से ही ये सामने पूरी मार्केट है, इधर सेल आउट करते हैं। तो ये आपको दिखाते हैं फिशेज, ये देखें जी फुल फ्लैश माशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत, समंदर की मखलूक कैसी कैसी मखलूक है। देखें यहाँ पे बिल्कुल सामने मैंने दिखाया कि किमाड़ी फिश स्पॉट लॉन्च वाला एरिया, और यहाँ पे आगे एक ये गली है और एक ये गली है। यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स है, ग्रिल फिश होती है, और उधर जो है ना सारी मछली, जैसे आपने घर वगैरह के लिए लेनी हो तो सारी कच्ची मछली मिलती है। अच्छा यहाँ पे ऐसा भी होता है कि आप यहाँ से बिल्कुल फ्रेश फिश आप परचेज़ करें और इधर से जाके होटल्स जो है वहाँ पे ग्रिल करवा लें। देखें यहाँ पे ये सारी फिश बना रहे हैं, ये फिश की मार्केट। ये देखें लाइन से स्टॉल लगे हुए, हीरा क्या हिसाब है भाई? 750। देखिए यार कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत है, इतनी बड़ी बड़ी मखलूक। हीरा क्या हिसाब है हीरा? रेड स्नैपर 950 रुपए, ये छोटा वाला चाहिए 600 रुपए। सही, बाकी ये दंदिया पड़ा हुआ है, किसर पड़ा हुआ है, सुरमैया, सुरमई, सुरमई और किंगफिश, वो कितना है? वो 1300 रुपए किलो, वो बड़ा दाना जो है बिल्कुल एक ग्रेड सरा हुआ सर। जी तो चेक किया आप लोगों ने, माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसी कैसी नेमतें पड़ी हुई हैं। तो अभी चलते हैं हम, क्योंकि ये व्लॉग फूड से मुतल्लिक है, अभी चलते हैं हम फिश परचेज करते हैं और उसको ग्रिल होने के लिए देते हैं। लेट्स गो। क्या हिसाब है भैया? केकड़ा चेक किया भाईजान, केकड़े का सूप भी मिल रहा है। अच्छा जी ये हमारी असल जगह आ गई है, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है लाइन से रेस्टोरेंट बने हुए हैं। चेक करें सामने ग्रिल का सेटअप भी लगा हुआ है, ये फ्राई भी हो रही है, सर ग्रिल भी हो रही है, सारा सीन ऑन है, और ये सारी फिश है। अच्छा भाई ये देखा, जैसा कि हीरा फिश ले लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया हीरा ग्रिल के अंदर सबसे बेहतरीन है, टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है। वैसे तो सुरमई फिश आप फ्राई करने में भी, फ्राई का अगर शौकीन है तो सुरमई मैं रिकमेंड करूँगा, और अगर ग्रिल के शौकीन है तो ग्रिल में आप हीरा फिश लें। तो ये फिश हमने इस शॉप से, ये आगा सी फूड है जैसा कि नज़र आ रहा होगा यहाँ से, ये देखें फ्रेश भी है फिश, ये परचेज कर लिया हमने हीरा फिश। और ये उधर जैसे पीछे आपने देखा, ये यहाँ पे साफ होती है और फिर आगे ये ग्रिल होने के लिए जाती है, ये फ्राई हो रही है, और ये देखें ग्रिल का सेटअप।
अच्छा, इसके साथ साथ हमने झींगा भी लिया, थोड़ा सा झींगा भी आज ग्रिल में ट्राई करेंगे। तो आपसे मिलते हैं अब खाने के टेबल पर। अच्छा, ये उमरा टूर से पहले जो एक फिशिंग ब्लॉग था मेरा, वो भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था फिशिंग का, जो हमने खुद फिशेज पकड़ी थी, वो ब्लॉग भी लाजमी देखें और उसका भी कमेंट सेक्शन में बताएं वो ब्लॉग आपको कैसा लगा था, वो एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था। तो ये वही सारा सीन है फिशेज वगैरह पकड़ के, इधर सारा ग्रिल वगैरह का ये देखें, सारे रेस्टोरेंट्स हैं वो भी टेबल पर आगे, थोड़ी देर में ही हमारी फिश आ रही है, तो सारे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये भाई जान गर्मा गर्म अपना सेटअप आ गया, ग्रिल फिश और ये ग्रिल प्रॉन्स। ये तो भाई चेक करें, गर्मा गर्म सेटअप आ गया है, प्रॉन्स है और ये ग्रिल फिश है। सबसे पहले ग्रिल फिश फ्राई करते हैं सबसे पहले, तो आपको बताते हैं क्या हिसाब किताब है। अच्छा, सबसे पहले सिर्फ फिश में ट्राई करता हूँ। बेहतरीन, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ग्रिल फिश के लिए हीरा फिश सबसे बेहतरीन है, तो लाजमी आए आप भी ज़रूर सर्दियों के अंदर ये फिश ट्राई करते। तो अब प्रॉन्स की बारी है। ये आगे चटनी और ये चेक करें, प्रॉन भी बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं। जब प्रॉन कढ़ाई के अंदर भी बनते हैं वो भी मज़ेदार बनती है। इस दफ़ा हमने ग्रिल करवाया, बहुत ही बेहतरीन बने हुए हैं प्रॉन, फिश से ज़्यादा अच्छे तो आज मुझे प्रॉन लग रहे हैं। अच्छा जी, अब सीन देखें, अंदर से निकल के आया कैसा सफ़ेद गोश्त हीरा, और ये एक और सीन चेक करते हैं इसका, गरम गरम है फुल। बेहतरीन ग्रिल हुई है यार, ज़बरदस्त। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्लो करम से फिश पूरी पारी कर दी है हमने, और बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं आगा सी फूड, अच्छा आगे राशि सी फूड है, काफ़ी मशहूर है, उसकी फ़िश तकरीबन सेम ही होती है, रेट वो क्योंकि मशहूर है रेट उनका ज़रा ज़्यादा है, लेकिन आप थोड़ा सा आगे थोड़ा सा राउंड लगाएंगे ना, तो ये आगा भी है जैसे और भी है, मिसाला इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त लगाया हुआ था, तो ये इनका रेट मुनासिब होता है। तो और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये जैसे सुरमई फिश है ना, किंग फिश कहते हैं जिसे, तो उसके अंदर जैसे एक कंगी होती है ना, कांटे कम कांटे वाली मशहूर है, ऐसे ये हीरा फिश के अंदर भी ये एक ही कंगी होती है, तो हीरा ग्रिल के लिए बहुत ज़बरदस्त है, लाजमी ये हीरा फिश भी ट्राई करें, और साथ क्योंकि खाना वाना खा लिया है ये साथ लाजमी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जैसा कि आप लोगों ने देखा ग्रिल फिश और ग्रिल प्रॉन्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्लो करम से ओवरऑल फूड ब्लॉग आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं ये फूड ब्लॉग आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ, तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, अस्सलामु अलैकुम।